आ गई तुम काम पे? बर्तन पड़े हैं, बर्तन धो दो। एक मिनट, ये बच्चा किसका है? साहब ये मेरा बच्चा है। जब तुम कल काम मांगने आई थी तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक बच्चा भी है? जाओ घर पर, इसको छोड़कर आओ। साहब वो घर पे कोई है नहीं है ना इसकी देखभाल करने के लिए। मुझे नहीं पता, कहीं पर भी छोड़कर आओ, मेरी क्या हेडेक है इसमें। और तुम्हें काम मांगने से पहले सोचना चाहिए था, और काम करते हुए तुम्हें दिक्कत नहीं करेगा ये? घर पे कोई है नहीं है ना जो मैं इसको वहाँ छोड़ के आऊँ, और जहाँ मैं पहले काम करती थी ना वहाँ पे भी मैं इसको साथ लेके जाती थी, ये कोई दिक्कत नहीं करता था। ठीक है, बर्तन पड़े हैं, बर्तन मांज दो इतने। जी साहब। ये क्या कर दिया? कर दिया आते ही नुकसान। कहा था तुम्हें बच्चे को इधर उधर मत छोड़ना। माफ कर देना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। क्या माफी दे दो? अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम्हारे पास बेटा है, मैं तुम्हारे को काम पर ही नहीं रखता। जो नुकसान हुआ है ना वो मेरी सैलरी में से काट लेना। अरे पूरे महीने काम पर आएगी तभी तो तेरी सैलरी काटेंगे ना। अब इसे ले और निकल यहाँ से। जाओ, अब खड़ी क्या हो, इसे लेकर जाओ। एक कभी तो टूटा है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आजकल की नौकरानी को भी मेजोरिटी चाहिए, ये नहीं कि बच्चों को खाना वाना खिलाएं, लेकिन नहीं, मर्दों की तरह काम करना है। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, उनको बच्चा नहीं चाहिए था, उनको अपनी जिंदगी जीनी थी, और काफी टाइम मैंने उनको ना किसी और के साथ देखा, वो मुझे बहुत धोखा दे रहे थे, इसलिए फिर मैंने उनको छोड़ दिया। अकेली माँ हूँ ना इसलिए मैं हमेशा इसको अपने साथ रखती हूँ, और जहाँ मैं पहले काम करती थी ना वहाँ पे भी मैं इसको साथ ले जाती थी। उन्होंने मुझे इसलिए काम से निकाल दिया क्योंकि ये मेरे साथ रहता था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि मेरे पास बच्चा भी है। मुझे लगा कहीं आप भी मुझे नौकरी से ना निकाल दो। ठीक है, कर लो काम, लेकिन हाँ कब के पैसे जरूर काटूंगा मैं। Da-dee-da-da.